वर्तमान समय में अपने ही अपनों के काम नहीं आ रहे, लेकिन अभी भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वायरल वीडियो में एक नेत्रहीन माँ का 6 साल का बच्चा प्लेटफॉर्म पर चलते हुए गलती से रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। बच्चे की माँ आंखें ना होने की वजह से कुछ समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ है। वो यहाँ वहाँ हाथ मार कर बच्चे को तलाशने लगती है, चिल्लाने लग जाती है। बच्चा ट्रैक से ऊपर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच ट्रेन आ जाती है। बस कुछ सेकंड का फासला था, मौत नजदीक आती जा रही थी, और तभी एंट्री होती है कहानी के हीरो की। जी हाँ, यही है हमारे असली हीरो, नाम है मयूर। मयूर ने चीते की रफ्तार से सिर्फ 7 सेकंड के अंदर बच्चे को प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया और खुद भी ऊपर आ गए। एक बार फिर देखिए मौत कितनी नजदीक थी। मयूर ने वो साहस दिखाया, ऐसी दिलेरी दिखाई जो सिर्फ आपको फिल्मी कहानियों में ही देखने को मिलती है। ये घटना मुंबई के नजदीक बंगड़ी रेलवे स्टेशन की है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मयूर रेलवे में पॉइंट्स मैन के रूप में काम करते हैं, जो एक तरह के फील्ड वर्कर होते हैं। उनका काम ये देखना होता है कि ट्रेन सिग्नल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। मयूर के साहस को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर मयूर की सराहना की है, वहीं रेलवे के अफसरों ने भी उनका सम्मान किया। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करते रहो, तुमने जो काम किया जो है ना, शायद ही कोई कर पाए, हो नहीं सकता। ह्यूमन लाइफ से बचाने से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। एक ब्लाइंड मदर, उसका 6 साल का बच्चा, अब इसका कोई जवाब नहीं है, कोई सानी नहीं है।